नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए, आज मैंने बनाई है शकरकंद की खीर और आप देख सकते हो देखने में ये कितनी अच्छी दिख रही है और इसका नेचुरल कलर इसमें कितना बढ़िया दिख रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। नॉर्मली हम कद्दू की खीर तो बनाते ही हैं व्रत उपवास में। आप इसे खीर को ऐसे तो बना के खा ही सकते हो जब आपको कुछ मीठा खाने का मन हो, और व्रत में तो आप इसे जरूर बना के खाइए। ये बहुत टेस्टी लगती है और काफी हेल्दी भी है शकरकंद की खीर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आज मैंने ये शकरकंद की खीर बनाई है। तो ये देखिए, शकरकंद की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम शकरकंद लिए हैं और इसकी खीर बहुत ही टेस्टी लगती है। नॉर्मली हम चावल की खीर तो खाते ही हैं, लेकिन इसकी खीर बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसे उबाल लिया है, पहले अच्छी तरह से वॉश किया और उसके बाद मैंने कुकर में इसे 2 सीटी लगा के उबाल लिया है। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए, बढ़िया सॉफ्ट हो गई। तो अब मैं इसे छील लूंगी और इसका पल्प अलग कर लूंगी। तो ये देखिए, शकरकंद को छील करके मैंने इसे मैश कर दिया। ये देखिए, तो अब बनाते हैं इसकी खीर। तो ये देखिए, खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। और कढ़ाई गर्म है तो ये देखिए घी जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी शकरकंदी, ये देखिए। और इसकी खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, शकरकंद को डाल करके हम मीडियम आंच पे ऐसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे। भूनने से क्या होगा, घी में भूनते हैं जब तो इसकी खीर बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, तो ये देखिए शकरकंद को मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो मैं इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ क्योंकि शकरकंद तो काफ़ी मीठी होती है, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। मैंने टेस्ट करा था, इसलिए अगर आपको चीनी ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो अभी मैंने गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर दी है और चीनी को अच्छी तरह से, ये देखिए, गरम शकरकंद में ही मेल्ट होने दे रही हूँ मैं, अच्छी तरह से मिक्स करके। ये देखिए, इससे क्या होता है कि जब हम खीर बनाएंगे तो दूध भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जब मैं इसमें दूध डालूंगी तो फटता बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया हमारी ये टेस्टी खीर बनती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो चीनी डाली मैंने गर्म शकरकंद में, तो चीनी बढ़िया मेल्ट हो गई है। और अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी, बढ़िया मलाईदार दूध है ये, और अच्छी तरह से मैंने पहले से इसे उबाला हुआ है। ये देखिए, तो हमारी खीर भी बहुत जल्दी से बन जाएगी। ये देखिए, और फटाफट मिक्स भी करेंगे हम, और गैस की आंच अभी मैंने धीमी ही रखी है। सारी चीज़ों को बढ़िया मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, शकरकंदी की खीर में बढ़िया उबाल आ चुका है। आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा दिख रहा है, कितना बढ़िया क्रीमी सा कलर दिख रहा है, क्योंकि शकरकंद को अच्छी तरह से भूना भी था और उसका एक नेचुरल कलर होता है क्रीमी सा, वो इसमें कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो बस खीर को धीमी आंच पे अब मैं 5 मिनट के लिए उबाल लूंगी और फटाफट से हमारी ये शकरकंद की खीर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, शकरकंदी की खीर को मैंने 5 से 6 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे उबाल लिया है और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्रीमी सी दिख रही है और अच्छी गाढ़ी भी हो गई है। ये इतनी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, अच्छी तरह से उबल गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, बारीक मैंने इसे कतरन कर लिए हैं बादाम के। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स तो आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, शकरकंदी की खीर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। तो ये देखिए, गर्मा गर्म शकरकंदी की खीर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने ऊपर से भी इसमें बादाम डाल दिए, तो ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। नॉर्मली हम कद्दू की, पम्पकिन की खीर तो बनाते ही हैं, और अगर आपने कभी नहीं बनाई है शकरकंदी की खीर तो ज़रूर बना के देखिए। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, आपका व्रत है तो आप व्रत में तो इसे ज़रूर बना के खा सकते हो, क्योंकि काफ़ी टेस्टी भी होती है खीर और हेल्दी भी होती है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शकरकंद की खीर कैसी लगी।